दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमारी लाइफ और बेहतर होनी चाहिए थी। हमारे पास जो होता है हम कभी भी उससे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होते, और हम ह्यूमंस का नेचर होता भी कुछ ऐसा ही है। तो चलो आज इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक आदमी ने रोल्स रॉयस कार खरीदी, और जैसे ही वो उसको ड्राइव करने के लिए उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा, वैसे ही उसके पास एक फ्रेंड का फोन आया। उसके फ्रेंड ने उसको बताया कि उसने एक प्राइवेट जेट खरीदा है। अब जिसने रोल्स रॉयस कार खरीदी थी वो अपनी किस्मत पर अफसोस करता है और सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि उसने प्राइवेट जेट खरीद लिया। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसके पास कार की विंडो पर एक आदमी आता है और कहता है कि वाओ क्या कार है, ये मेरी ड्रीम कार है और आप बहुत लकी हो जो आप इसको खरीद पाए। और फिर वो आदमी अपनी किस्मत को कोसता हुआ वहां से अपनी कार के पास जाकर अपनी कार पर गुस्सा उतारता है। वो अपनी कार को किक करता है और बोलता है कि क्या खटारा कार है, मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे यही कार मिली। वो इतना बोलकर अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि उसके पास एक लेडी आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो वो आदमी उस लेडी को बताता है कि उसकी किस्मत में ये खटारा कार ही लिखी है और वो इसको चेंज भी नहीं कर पा रहा है। इतना सुनकर लेडी उसको बोलती है कि आपके पास कम से कम कार तो है। वो हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो हंस क्यों रही है। तो वो लड़की उसको बताती है कि कुछ दिन पहले तक वो लड़की भी ऐसे ही अपनी किस्मत को कोसती थी कि उसके पास तो पैर ही नहीं है और भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और अब वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। पर उसको एक बच्चा मिला जिसके हाथ और पैर दोनों नहीं थे, पर फिर भी वह बहुत खुश था। उस दिन मुझे लगा कि मेरे पास कम से कम हाथ तो हैं, बस उस दिन से ही मैं खुश रहती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें अपनी किस्मत से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, हम अपनी जिंदगी खुद ही बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।